नवरात्रि में हिंदूवादी संगठनों की पुलिसिंग थमने का नाम नहीं ले रही और अब जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद ने मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के तमाम मंदिरों में ये पोस्टर लगाकर ये निर्देश दिए कि लोग कैसे कपड़े पहनकर मंदिरों में आए और कैसे कपड़े पहने, और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता। इस वक्त मैं संस्कारधानी जबलपुर का नज़ारा दिखाता हूं। यहां सदर इलाके में स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर मौजूद हूं, लेकिन आप देखेंगे कि यहां हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिनकी ओर से ये यहां पर चेतावनी वाले पोस्टर्स बैनर चस्पा किए जा रहे हैं। इसमें निर्देश विश्व हिंदू सेवा परिषद की ओर से दिया गया है। आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि इसमें सभी महिलाएँ एवं पुरुष मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर ही आएँ। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, नाइट सूट, मिनी स्कर्ट, कटी फिटी जीन्स, क्रॉप टॉप जैसे अभद्र कपड़े पहनकर नहीं आए, और साड़ी या सलवार सूट पहनकर ही महिलाओं को खास तौर पर आने की हिदायत चेतावनी यहां पर दी गई है। और आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूं सदर काली मंदिर जबलपुर का नज़ारा, जहां पर हिंदू सेवा परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनकी ओर से इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो ये बैनर पोस्टर कहाँ कहाँ लगा रहे हैं आप और क्यों लगा रहे हैं? सर्वप्रथम सबको देशवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 9 दिन माता का भक्ति करने के दिन होते हैं, ना कि अश्लीलता फैलाने के दिन होते हैं। और हमारा बस ये आग्रह है कि जितने भी लोग मंदिरों में जाएं, महिलाएं भारतीय परिधान में जाएं, खूब माँ की सेवा करें, लेकिन इस प्रकार की कोई भी कृत्य न करें जिससे सनातन धर्म का अपमान हो। जानना चाहूँगा, हिंदू सेवा परिषद की ओर से एक बैनर लगाया गया है कि सिर्फ साड़ी सलवार सूट पहनकर ही यहाँ पर दाखिल हों, छोटे कपड़े पहनकर महिलाएं ना आए, क्या कहना है आपका? हाँ, ये बात तो सही है, पर ये अपनी सोच के ऊपर है कि अगला क्या सोचता है। हम माता रानी के पास आए हैं तो अपना संस्कार और अपना उससे आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको लगता है कि इस तरह के बैनर लगाने की ज़रूरत है? हाँ, मे बी फिर भी है, बहुत ज़रूरत है, आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि जीन्स पैंट ये सब पहन के आए लेडीज। बैनर पोस्टर लगाया गया है कि महिलाएं सिर्फ साड़ी और सलवार सूट में दाखिल हों, पुरुष भी सभ्य कपड़े पहन कर आए, आप क्या कहेंगे? इसकी इजाज़त आपसे ली गई थी? मैं तो इस चीज़ की जानकारी करीब 2 साल से रखता हूँ। मैंने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सबसे इस चीज़ का अनुरोध किया था कि आप लोग भी इस चीज़ का प्रचार प्रसार करिए। अब धीरे धीरे हो रहा है, परिवर्तन होगा, कोशिश की जाएगी, परिवर्तन होगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके बाद, क्या इसकी प्रतिक्रिया होती है, देखना लाजमी होगा। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ नरेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।